नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं UFT लाइव टीवी। फतेहपुर जिले से बड़ी खबर, जहां महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल संचालिका के साथ धक्का मुक्की कर जमकर हंगामा किया। फतेहपुर जिले में एक निजी नर्सिंग होम में डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने बड़ा सवाल किया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने गलत तरीके से इलाज कराने का आरोप लगाया। फतेहपुर जनपद के लोधी गंज इलाके में माँ हॉस्पिटल का पूरा मामला है। लगातार जिले में अवैध तरीके से संचालित हो रहे नर्सिंग होम लोगों को मौत बांट रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है। सूत्रों की माने तो स्वास्थ्य विभाग को महीनों का चढ़ावा देकर ये फर्जी तरीके से अवैध नर्सिंग होम संचालित करते हैं, जहां मरीजों से मोटी रकम वसूलते हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों को इस काली कमाई का कुछ हिस्सा पहुंचाया जाता है, जिसके चलते जिले में आए दिन इलाज के दौरान लोगों की मौत होने का सिलसिला जारी है। फतेहपुर जनपद के लोधी गंज इलाके के माँ हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है, जहां उपचार के दौरान महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। फतेहपुर से अनीश रघुवंशी की रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए UFT लाइव टीवी।